जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियान। नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। ताई की तबीयत कैसी है अभी? पहले से काफी सुधार है उनकी तबीयत में, लेकिन अब तक होश नहीं आया उन्हें। फिर भाई साहब, अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ताई को अटैक पड़ गया? मतलब कोई टेंशन थी क्या? हाँ, एक्चुअली क्या है कि नहीं नहीं भावना जी, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या है कि सुलोचना को बहुत सालों से अस्थमा की बीमारी है। एक दो बार उसे इस तरह के अटैक आ भी चुके हैं, लेकिन वो माइनर थे। डॉक्टर ने उसी वक्त उसे कहा था खुद की तरफ ध्यान देने के लिए, लेकिन वो है कि अपनी तबीयत की तरफ ध्यान देती नहीं, उसी की वजह से यह सब हुआ है। जाइए, आप देख सकते हैं। बेटा, मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी। जब कोई बीमार होता है ना, तो मुझसे उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती। एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है मुझे। मुझे लगता है कि हमें यहां से चलना चाहिए बेटा। आई, क्या मैं यहां पर रुक सकती हूँ? अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो दादा भाई नहीं भी नहीं है। ठीक है बेटा, तुम रुक जाओ। नमस्ते भाई साहब। पंदू, पंदू, देख कौन आया है। तू हमेशा कहती है ना, दादा आते नहीं है, आते नहीं है। देख, उठा कर ले आया मैं। अब इसकी अच्छे से खातिरदारी करना। अरे, ये शिवू का नहीं है? शिवू, शिवू अंदर आ। अरे आ ना, बैठ। अरे बैठ ना। देखा मानव कितना मासूम बनकर बैठा है। कौन कहेगा कि ये बंदा थोड़ी देर पहले मार्केट में मारा मारी कर रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि औरत लोग जब भी अपन के पास होता है ना, तो थोड़ा टेंशन हो जाता है, अपना ही जुबान अपने पेट में घुस जाता है। हर्षित, ये हमारा घर है। दुनिया भर की बेकार लोगों का अड्डा नहीं है जो तू चुन चुन के जमा कर रहा है। क्या क्या बोला आपने? शिवू, आई, इस घर में किसे बुलाना है किसे नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक बात मत भूल तू, हमारे सर पर जो छप्पर है ना, पेट में रोटी है ना, ये सब इनकी देन है। जिस दिन इनका साथ छूट गया, उस दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। इन बेकार लोगों के साथ रह रहकर तू भी किसी काम का नहीं रहा। जी, तुझे इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए।
वो जैसी मैं तुम्हारे आई। मानव तू बहुत अच्छा है, ये सब बातें तेरे समझ में नहीं आएगी। इनफैक्ट अच्छा हुआ आई चली गई, शांति से काम तो कर पाएंगे हम लोग। शिबू ये वंदिता है, मेरी पत्नी और मानव की बहन। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ मानव, मैंने ये दो लिस्ट बनाई है। एक में उनके नाम है जो हमसे पैसे लेकर नया धंधा शुरू करना चाहते हैं, और दूसरे में उनके नाम है जो हमें शाम को पैसे देने वाले हैं। तो ठीक है ना जी, कलेक्शन शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो दादा। और वैसे भी आज सुबह से अपन के हाथ में ना बड़ी खुजली सा हो रहा है, और किसी ने पैसे देने से मना किया ना दादा तो दूंगा। अरे देखो, अगर तुम्हें हमारे साथ काम करना है ना तो एक शर्त, ना तो तुम किसी पे हाथ उठाओगे ना तो किसी से झगड़ा करोगे, समझे? दादा मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि बिना बात के किसी से झगड़ूंगा। अगर कुछ कुछ बोलता है तो फिर भी हाथ नहीं उठाएगा, बिल्कुल हाथ नहीं उठाएगा। चाय लो, चाय पी लो। मानो अपन के लिए थोड़ा मुश्किल है दादा, लेकिन आप बोलता है तो थोड़ा कोशिश करेगा। चाय पी, जाना है फिर। यहाँ तो कोई दिखता ही नहीं है, अंदर चुपचाप क्यों खड़े हैं? ये मरी नहीं है, सांस ले रही है, देखो नाक हिल रही है, वैसे ही थोड़ी मरेगी। मुझे उससे हिसाब चुकाना है, उसकी बेटी ने मेरा जीना हराम कर दिया है, उसका जवाब चाहिए मुझे, उसे झक मार के उठना होगा। तू ये क्या बोले जा रही है? हम ये बोलने आए हैं यार। नहीं तो क्या, मैं क्या इसे प्यार से देखने आई हूँ? मैं यही देखने आई हूँ ये सही सलामत है कि नहीं। अगर इसे कुछ हो गया ना तो मेरे साथ झगड़ा कौन करेगा? अरे ए वर्षा, क्यों रोती है तू? आई वो मैं जानती हूँ सब। अरे ए वर्षा, क्यों रोती है तू? आई वो मैं जानती हूँ सब। रोने धोने से कुछ नहीं होता है, नसीब में जो भी है वो भुगतना ही पड़ता है। अभी देख मेरे सच्चू से मैं कितना प्यार करती थी, फिर भी भगवान ने उसे उठा लिया। बहुत तकलीफ हुई मुझे उसके बगैर जीने की, लेकिन अब आदत सी हो गई। पहले बहुत तकलीफें हो गई, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है बेटा। ऐसा कीजिए, मेरी वाइफ के नाम पे रूम बुक कर दीजिए, इनका नाम है माधुरी धर्मेश चैप्रवाल। अरे वैशाली, कैसी है बेटा तू, कैसी है? मैं ठीक हूँ। अरे वो तेरा मोटू पति किधर दिखता नहीं? वो नहीं आया अपनी लाडली सास को देखने? वो किसी काम में फंसे होंगे। हाँ जरूर फंसा है। तो एक काम करना, उसे मेरी एक सलाह देना, उसे कहना जरूरत से ज्यादा होटलों में रहने से कभी कभार घर का होटल बन जाता है बेटा। मैं समझी नहीं। क्या हुआ? तेरे पति को मैंने 3-4 बार होटलों में देखा। हाँ मतलब उसे घर का खाना अच्छा नहीं लगता होगा।
और होटलों के खाने में टेस्ट आती होगी, लेकिन उसे कहना ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, है ना? घर की मुर्गी दाल बराबर वही अच्छी होती है। अरे हमारे चाल के बाजू में एक बड़ा सा होटल है, वहां देखा मैंने उसे 3-4 बार। तू नहीं आती उसके साथ होटलों में? आना कभी, बाद में मेरे घर आना चाय पीने के लिए। नहीं, मैं नहीं आती उनके साथ, वो अपने काम के सिलसिले में जाते हैं तो। वही तो कह रही हूँ, ज्यादा काम की जिम्मेदारियां उठाने से घर से ध्यान हट जाता है। ओ, आज रात को यही रहने का इरादा है क्या? चलो मनोहर पंत, हम निकलते हैं। ये जाग जाएगी ना तो इसको बताना मैं आई थी इसे देखने के लिए। चलो। आप आ गए माना? वैशाली कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। वो आई के घर ही रुकने वाली है आज। माना, बहुत मुश्किल में हूं मैं। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे हर एक रिश्ता एक दूसरे में उलझता जा रहा है। हर किसी का कोई ना कोई राज है। कभी ये राज छुपाओ तो कभी वो राज छुपाओ। बहुत डर लगता है कि कहीं कहीं कोई राज किसी को पता चल गया तो क्या होगा। मैं बहुत थक गई हूँ मानव, बहुत थक गई। मानव, कभी कभी सोचती हूँ कि इन सारी परेशानियों से बहुत दूर चली जाओ, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ सुकून हो, जहां सिर्फ हम दोनों। अच्छा, हमारी सोच और हकीकत में बहुत फर्क होता। ऐसा कौन है जिसकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं, सबकी जिंदगी में होती। अब कोई मुश्किलों का सामना करता है, उसे पीछे छोड़ता है, या फिर कोई समझौता करके जीता। हाँ मानो, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में एक ऐसी मेरी जगह जहाँ सिर्फ सुकून है, सिर्फ खुशियाँ, और जहाँ मैं सिर्फ आपके साथ हूँ। ऐसी कौन सी जगह? ये जगह। सच कहा तुम, तुम्हारे तकरीब आके बहुत सुकून मिलता है। बस मान, अब कुछ और मत कह। थैंक यू मान, अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो मैं कभी इतनी हिम्मत नहीं कर पाती हर चीज से लड़ने की। थैंक यू। Thank you.
वैशु ताई जल्दी प्रसाद ले। मुझे नहीं चाहिए, इन सब चीजों पर से विश्वास उड़ गया मेरा। ताई 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 ऐसा क्या बोलती है? देख ताई, मुश्किलें किसकी जिंदगी में नहीं आती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम भगवान पे भरोसा करना छोड़ दे। ताई एक यही तो शक्ति है जो हमें हमेशा सहारा देती है, हमें जीने की राह दिखाती है। अगर हम इस पर ही भरोसा करना छोड़ देंगे ना, फिर हम किसके सहारे जिएंगे ताई? वैशु तू ये सब कुछ कह रही है क्योंकि तेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं, तेरे पास तेरा पति, तेरा घर, मां बनने का सुख, सब कुछ है। और यकीन मान, मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ इसी तरह बना रहे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि तू मेरे दुख को नहीं समझ पाएगी। ताई जिस तरह माँ होने का अधिकार तूने खोया है ना, उस तरह पति होने का सुख मैंने भी खो दिया है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि तू अपने दुख पर खुलकर रो तो सकती है, मैं तो वो भी नहीं कर सकती ताई। वैशु जिस पर बीतती है ना, उसे ही समझ में आता है। अभी आई के पास मत जा, आई को अभी होश आया है। आई ने अगर फिर से तुझे देख लिया और उसे वो सारी बातें याद आ गई तो बेहतर होगा, मैं जाके आई से बात करती हूँ। देखा, बापा ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मैंने अभी तेरे सिरहाने पे फूल रखे और तुझे होश आ गया। अगर सोप ना तू, डॉक्टर ने तुझे आराम करने कहा। नहीं मैं ठीक हूँ। मुझे बता वर्षा कहाँ है? ताई वो अभी बिल्कुल ठीक है, तुझे तो पता है ना उसमें कितनी पॉजिटिविटी है। अरे तुझे पता है लोगों को उसे देखकर पता ही नहीं चलेगा कि उसे इतना बड़ा सदमा पहुंचा ऐसा। अब बस भी कर, कितना झूठ बोलेगी। मैं जानती हूं कि वर्षा बाहर है, जा उसे बुला कर ले आ। जा ना। आई तू भी, खामखा हम सबको डरा दिया। पता है रात भर तेरे टेंशन में कोई नहीं सोया है, लेकिन अब तो ठीक है ना? कैसी है तू वर्षु? बहुत हिम्मत वाली हो गई है ना, सारे दुख सहन करने की ताकत तुझ में आ गई है ना, है ना? बुरी हूँ मैं आई, पता नहीं मेरी ये गलतियों का सिलसिला कब खत्म होने वाला है। अरे ऐसा क्यों कह रही है? देख ना तू, आज मेरी गलती की वजह से तू यहाँ पे इस तरह, मेरी गलती की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। अब मैं तुझे नहीं खोना चाहती आई, मैं तुझे नहीं खोना चाहती। अच्छा होता अगर मैं तुझे कुछ बताती ही नहीं। तो किसे बताती? बेटा अपनी आई के साथ हर दुख हर दर्द बांटने का हक है तेरा। मैं तो चाहती हूँ कि तू मेरे पास आ जाए और मेरी गोदी में सर रखकर अपना सारा बोझ हल्का कर दे। चुप हो जा, अब बस भी कर दे। तू यहाँ ऐसे रोती रहेगी ना, तो तेरी बहन भी वहां खड़ी होकर रो रही है। देख तू क्यों रो रही है इतना? हाँ वर्षा समझा नहीं इसे? अरे
थोड़ी सी जगह मेरे लिए भी छोड़ दो। मुझे भी इस प्यार की जरूरत है। वर्षा, सतीश जैसा पति मिला है तुझे, तो क्यों चिंता करती? और फिर पापा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वो तुम दोनों की झोली जरूर भर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ वर्षा, हम बीती सारी बातें भुला करके एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। प्यार है।